बारिश का मौसम आ चुका है और हम आपको दिखाने आ गए हैं भाई मूंग के पकोड़े। दही की चटनी है ऊपर से, देखो भाई चटपटी और स्पाइसी। ये मूंग पकोड़े के लिए दाल पीसी गई है। कौन सी दाल पीसी है इसमें सर? हमने दो तीन प्रकार की दालें पीसी हुई है। अच्छा, तीन प्रकार की दालें, जो कि सीक्रेट है वो भी नहीं बता। अच्छा, वो भी नहीं बता सकते। हाँ जी, इसमें मोस्ट जो है वो मूंग दाल ही जाती है। अच्छा, मोस्ट मूंग दाल ही जाती है। और उसमें टेस्ट के लिए और दो डाले और तीन डाले और एक्स्ट्रा डाली जाती है। अच्छा जी, जिससे कि क्रंची आए पकौड़े। अच्छा, क्रंची आए एकदम। और ये हमारे मसाले हैं जो हमने घर से बना के लाए हैं। अच्छा, घर से बना के लाए हैं, देख लो। ये पर्सनल मसाले हमारे। अच्छा, पर्सनल मसाले ये जा रहा है ऊपर से। ये देखो भाई, बहुत ही बढ़िया ये मसाले आ गए हमारे। हाँ जी, ये धनिया। अच्छा, ये ऊपर से आ गया भाई धनिया, क्या बात है। ये कड़ी पत्ता और ये कड़ी पत्ते, एकदम बारिश कर रहे हो एकदम धनिया कड़ी पत्ते की। इसमें बारिश होनी चाहिए तभी टेस्ट आएगा। अच्छा जी, हरी मिर्ची के साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। ये ऊपर से जाएगा, ये इसमें आएगा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इसे पूरी अच्छी तरह से। अच्छा, अब इसको कर देंगे भाई मिक्स। अच्छा, 10 से 15 मिनट मिक्स करना पड़ता है ताकि ये पूरी तरह से मिल जाए मसाले। अच्छा जी, पंद्रह मिनट से भैया मिला रहे थे तो ये फाइनली ये मिल चुका है। तो अभी ये सीधा जाएगी फ्राई होने, है ना? अभी फ्राई होने जाएगा। चलो अब आपको सीधा दिखाते हैं फ्राई। बारिश का मौसम आ चुका है और हम आपको दिखाने आ गए हैं भाई मूंग के पकौड़े। बारिश के सीजन में तो स्पेशली चलते होंगे ना भैया ये। तो ये बन रहे भाई मूंग के पकौड़े अपने। हमारे 12 महीने का काम है। अच्छा, 12 महीने का काम है। बट ये अभी सीजन स्पेशली बारिश में तो ज्यादा ही, मतलब फ्राइड चीजें बारिश में खाने का मजा ही अलग है। ये बैटर किस चीज का है? तीन चार दालों से बनाया हुआ है। अच्छा, तीन चार दालों से बनाया गया है। अच्छा, स्पेशल मसाले भी है। अच्छा, चलिए भाई, इसमें कुछ स्पेशल मसाले भी है भैया के, वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या है। कितने टाइम से बना रहे हो ये मूंग पकौड़े आप? अच्छा, 1 ईयर ही हुआ है। अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा है। ये देखो भाई, बन भी गए, हाफ डाउन है। अच्छा, अभी इसको वापस से करेंगे। ये अपने हाफ डाउन वाले, ये सारे हाफ डाउन वाले है ना? मतलब क्या बता रहे थे आप, जैसे ही कस्टमर आते हैं ये हाफ डाउन वाले गर्म करके दिए जाएंगे, क्रंची करके मिल जाएंगे। अच्छा, क्रंची करके मिल जाएंगे, मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। ये हाफ डाउन करके फ्राई करके इसमें रखे जाते हैं और जैसे ही कस्टमर आएंगे यहाँ पे फ्राई करके उसी समय गरम गरम सर्व किया जाएगा। ये देखो भाई, ये हो गया, मतलब मूंग पकौड़े के साथ बिरयानी भी यहाँ मिलती है। क्या प्राइस है भैया, एक बार बता दो? बिरयानी 60 रुपए हाफ है। 60 रुपीज हाफ। और एक पर्सन सेटिस्फेक्शन हो जाता है जब हमारे यहाँ की बिरयानी खाते हैं। अच्छा, क्वांटिटी मतलब अच्छी खासी है, आपको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा क्वांटिटी के साथ। अच्छा जी, और यदि केजी के हिसाब से चाहिए आपको तो 180 रुपीज केजी भी मिलेगा। अच्छा, 180 रुपीज केजी, क्या बात है। 4 पर्सन खा सकते हैं, क्या बात है। मतलब केजी में 180 रुपीज में आपको बिरयानी केजी, बहुत ही बढ़िया। ये देखो भाई, रंग बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त मूंग पकौड़े लग रहे हैं। क्या प्राइस है भैया इसका? 30 रुपीज। इतनी क्वांटिटी मिलती है सबको? इतनी मिलेगी ना? हाँ, सभी को, क्या बात है। इसके साथ में स्पेशल हमारी चटनी है। अच्छा, ये स्पेशल चटनी है, दही की चटनी है ऊपर से, देखो भाई चटपटी और
चटपटी और स्पाइसी। चटपटी और स्पाइसी, क्या बात है। इसके साथ में ये ना फ्राई में मिर्च भी रहेगी। अच्छा, उसके ऊपर मिर्च। और ये अपनी बन के रेडी है, ये देखो भाई जबरदस्त। तो भाई आपको भी यही पकौड़े ट्राई करने हैं तो आप आ सकते हो। भैया एक बार आपकी नहीं लोकेशन बता दो ना। जिंजर मॉल। ये लोकेशन मैं बता देता हूँ, ये जिंजर मॉल है। जिंजर मॉल के ठीक अपोजिट ये स्टॉल लगा हुआ है मूंग पकौड़ा। भैया स्टॉल का नाम क्या है? स्टॉल का तो नाम बस मूंग पकौड़ा ही है। अच्छा, मूंग पकौड़ा ऐसे यहाँ पे आपको बोर्ड मिल जाएगा, ठीक जिंजर मॉल के अपोजिट में छोटा सा स्टॉल है। बढ़िया मूंग पकौड़े सर्व किए जाते हैं, 30 रुपीज प्लेट है। तो भाई जरूर ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलता हूँ ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक ले भाई एंजॉय। थोड़ी सी लेके जाओ, नेक्स्ट टाइम ये चटनी पहले मंगाऊंगी आप मुझे। सिर्फ इसके साथ में एक पकौड़ा टेस्ट करके देखना।